हाय दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज एक नया शो जिसका नाम है डेड टू मी सीजन टू। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको सीजन वन और सीजन टू दोनों का ही रिव्यू करूंगा क्योंकि मैंने सीजन वन का रिव्यू नहीं किया था। और उसके अलावा जो दूसरा रीजन वो ये है कि सीजन वन की जो कहानी वो कंटिन्यू होती है सीजन टू में। चलिए बात करते हैं सीरीज की। तो आपको दोनों सीजन में 10-10 एपिसोड देखने मिलेंगे, हर एपिसोड ऑलमोस्ट 26 मिनट से लेकर 34 मिनट के बीच में। खैर, सीरीज की कहानी की बात करूं तो यहाँ पर आपको दो मेन कैरेक्टर्स देखने मिलते हैं, एक तो जेनिफर और दूसरी जूडी। जेनिफर की बात करूं तो जेनिफर के हस्बैंड टेड की हो चुकी मौत। एक दिन वो रास्ते में जॉगिंग कर रहे थे तो पीछे से कार आके उनको उड़ा के चली गई थी और वहीं पे मर गए थे। इसलिए पूरे सीजन वन में आपको जेनिफर अपने हस्बैंड के कातिल को ढूंढते हुए नजर आती है। उसके अलावा दूसरे कैरेक्टर जूडी की बात करें तो जूडी का ब्रेकअप हो चुका है और उसकी मुलाकात होती है जेनिफर से। दोनों की दोस्ती होती है, उसके बाद क्या कुछ होता है ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको सीजन वन और सीजन टू देखना पड़ेगा। खैर, अब मैं आपको बताता हूं कि सीरीज मुझे कैसे लगी। तो दोनों सीजन में जो एक कॉमन चीज है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लग रही थी वो था एपिसोड की लेंथ। एपिसोड्स की लेंथ ज्यादा ना होने की वजह से आप लोग को ये सीरीज अच्छी लगती है, लेकिन सीजन वन ही अच्छा लगता है। कौन सा सीजन ज्यादा बेस्ट है उस पर बात करूं तो यार सीजन वन बहुत ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि सीजन वन का जो कॉन्सेप्ट था वो अच्छा लगा था और जिस तरह से सीजन वन में चीजें हो रही थी वो आपको अच्छी लगती क्योंकि वो अपने फर्स्ट टाइम देखी थी इसलिए आपको अच्छी लगती। ऑल्दो वहां पर कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको देखने मिलते नहीं। पहला ट्विस्ट आता है फर्स्ट एपिसोड में जो कि आप लोग इजीली प्रिडिक्ट कर लेते हो, एपिसोड के दौरान ही आप लोग प्रिडिक्ट कर लेते हो। और दूसरा ट्विस्ट आता है एपिसोड 10 में जो कि कुछ इतना मुझे अपीलिंग नहीं लग रहा था। खैर, फिर भी वो सीरीज मुझे अच्छी लगी, एक एवरेज सीरीज थी। अब फिर उसके बाद सीजन टू स्टार्ट किया मैंने, तो सीजन टू से जो मैंने एक्सपेक्टेशन करा था कि यार मुझे कुछ अलग हटके कुछ नया देखने को मिले जो मैंने सीजन वन में नहीं देखा, तो वो मुझे काफी निराशा हुई क्योंकि वही सेम चीजें रिपीट हो रही थी, कुछ नया हटके देखने को नहीं मिला था। ऑल्दो कैरेक्टर्स की एंट्री तो हो रही थी लेकिन फिर भी जो मैं सोच रहा था वो चीजें नहीं थी। उसके अलावा अगर ट्विस्ट एंड टर्न्स की बात करूं तो यहाँ पर ट्विस्ट एंड टर्न्स है लेकिन वो भी प्रेडिक्टेबल है। कुछ ऐसे भी ट्विस्ट एंड टर्न्स है जो देखकर कुछ ऐसा शॉक भी नहीं होते। और मिलाकर दोनों सीजन में अगर परफॉर्मेंस की बात करो तो दोनों फीमेल एक्टर्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। दोनों की एक्टिंग आपको इस सीरीज में बहुत अच्छी लगती है और इस सीरीज में जो कॉमेडी है कॉमेडी भी अच्छी लगती है। और एडल्ट सीन्स की बात करो तो एडल्ट सीन्स कोई ऐसे नहीं है जो आप लोग नहीं देख सकते, ये इतना तो अमेरिकन वेब सीरीज में होता ही, तो बस उसी लेवल के एडल्ट सीन्स भी यहाँ पर है। सीजन टू की एक बात मैं जो आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि बहुत सारे एपिसोड ऐसे थे सीजन टू के जिसको मैं भगा भगा के देख रहा था क्योंकि पर्सनली जो मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा था वो एक्सपेक्टेशन आ रही नहीं थी, इसके लिए उसको बार बार भगा के देख रहा था। अब मैं सीरीज का रिव्यू नहीं करने वाला था लेकिन मैं इसलिए कर रहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस तक ये बात पहुंचे कि भाई कौन सी सीरीज उनको देखना चाहिए कौन सी नहीं। और मैं जितना मेरी ऑडियंस को जानता हूँ, जितने मेरे सब्सक्राइबर को जानता हूँ, उनको ट्विस्ट एंड टर्न से भरे हुए शोज देखना पसंद है, कुछ अलग हटके शोज देखना पसंद है जो कि ये शो है नहीं। तो अगर आपको फिर भी आपके 5 घंटे डालना है इस सीरीज में तो आप लोग डाल सकते हो। मैं इस सीरीज को रेटिंग दूंगा 5 में से 2 स्टार। 2 स्टार मैं सिर्फ इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि सीजन वन की चीजें मुझे अच्छी लग रही थी और परफॉर्मेंस दोनों ही एक्ट्रेस का मुझे बहुत शानदार लग रहा था, तो इसलिए मैं 2 स्टार दे रहा हूँ। अगर आपको देखना, अगर आपने ऑलरेडी देख चुके तो आपको ये सीरीज कैसी लगी ये मुझे जरूर बताना। और जितने भी फीमेल्स लोग हैं मुझे पता है फीमेल्स लोग के ज्यादा कमेंट्स आएंगे क्योंकि उन लोगों को ये सीरीज बहुत अच्छी लगती है। लड़के लोग उन लोगों को ट्विस्ट एंड टर्न्स और कुछ अलग हटके देखा तो उनके मतलब की ये सीरीज है नहीं क्योंकि ये सीरीज मेरे मतलब की भी नहीं थी, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए सीरीज देख लिया। तो बस यार नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, टिल देन दुआ में रखना। नेक्स्ट वीडियो में मेरे एक टाइम ट्रेवल पर बेस्ड एक मूवी, और मूवी कौन सी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते क्योंकि उसका वीडियो मैं शाम को अपलोड करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।